नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। क्या आपने कभी अपने नाना दादा के हाथ कांपते हुए देखे हैं, या फिर किसी की मूवमेंट्स आपको नॉर्मल से बहुत स्लो लगी हो, या किसी से सुना हो कि उसे खाना निगलने में बहुत दिक्कत आ रही है, या किसी की सूंघने की शक्ति बहुत कम होती जाए, तो ये सारे सिम्टम्स हैं पार्किंसंस के। ये कंडीशन है जिसमें दिमाग का एक भाग डिटोरिएट हो जाता है और इसका असर धीरे धीरे पता चलता है। इसके कई नॉन मोटर और कुछ मोटर सिम्टम्स होते हैं। इस बीमारी में मरीज का बैलेंस और मूवमेंट पर असर पड़ता है और धीरे धीरे उसकी सेंसेस, थिंकिंग एबिलिटी और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इस बीमारी का रिस्क उम्र के साथ बढ़ता है और 60 के बाद इसका खतरा ज़्यादा रहता है। पार्किंसंस बहुत कॉमन बीमारी है और दूसरा सबसे ज़्यादा एज रिलेटेड डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज इसे कहा जा सकता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन मोटर ब्रेन डिजीज भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया के 60 साल से ऊपर के लोगों में से 1% इसका शिकार हो जाते हैं। तो आज हम पार्किंसंस के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके सिम्टम्स, कॉज, मेडिकेशन, उसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन हम इस बीमारी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी में सिम्टम्स हो, किसी बड़े, आपके घर में किसी बड़े के सिम्टम्स हो, तो आप समझ पाएं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब कार्यक्रम में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी पहला सवाल, क्योंकि हम थोड़ा डीप में जाके इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आंकड़े क्या कहते हैं वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से या भारत के हिसाब से, कितनी बड़ी समस्या है पार्किंसंस डिजीज बुजुर्गों में? देखिए मैम, जैसे जैसे उम्र बीती है और 60 के दशक के बाद पार्किंसंस डिजीज एक बहुत कॉमन समस्या है। हम अपनी एक दिन की ओपनी में करीब 4 से 5 मरीज देखते हैं। जी, भारत में ये संख्या कितनी है मरीजों की, पार्किंसन डिजीज आप कितना कॉमन देख पा रहे हैं? जी, तो का ये मतलब है कि डिजीज बहुत ही कॉमन है और हमारे देश में लाखों मरीज होंगे पार्किंसन डिजीज के। बढ़ती उम्र के साथ ये डिजीज और जा रही है, क्योंकि हमारे देश के लोगों की उम्र की अवधि बढ़ गई है। हमारे देश में 80-90 के दशक तक पहुंचना बहुत पार्किंसन डिजीज की जो इंसिडेंस है वो हाल ही में काफी बढ़ गई। डॉक्टर प्रवीण, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसा भी है कि ये जो पार्किंसंस है, ये जो जो मेल मेंबर्स हैं, जो मेल होते हैं उनको ज्यादा होते हैं, फीमेल्स को कम होता है, ऐसा है? ये बात सही है कि पार्किंसन ज्यादा मेल्स में पाया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं उसमें मेल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। बिल्कुल, चलिए हम अब बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं पार्किंसंस के, क्योंकि कुछ मोटर सिम्टम्स होते हैं, कुछ दूसरे सिम्टम्स होते हैं, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताइए सिम्टम्स पार्किंसंस के जो शुरू होते हैं। सो पार्किंसंस का शायद सबसे पहले सिम्टम होते हैं हाथ का कांपना। आपने देखा होगा लोग बैठे बैठे ऐसे करके कांपता रहता है या चलते चलते हाथ कांपता रहता है, और वो पार्किंसन डिजीज जनरली एक साइड से शुरू होता है बॉडी की दाई या बाई। साथ में स्टिफनेस, पार्किंसन डिजीज के मरीज को लगता है कि शरीर सख्त हो गया है। स्लोनेस, शरीर आदमी धीरे धीरे चलने लगता है, सब काम धीरे धीरे करता है, उसके कदम छोटे हो जाते हैं, उसके आगे को यह है और उसको चलते हुए इनबैलेंस होने लगता है। ये मेन मोटर सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन डिजीज के कार्डिनल साइंस हैं, और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस, हेलुसिनेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और कई, और आगे जाके मेमोरी डिस्टर्बेंस भी, कई सारे ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं पार्किंसन डिजीज के मरीजों। तो क्या ये नॉन मोटर सिम्टम्स में आएंगे जो आपने अभी बताए हैं? देखिए, जो चलने वाले सिम्टम है, स्लोनेस, ट्रेम्बलिंग, स्टिफनेस, ये मोटर सिम्टम्स हैं, और जो बिहेवियर, स्लीप, मेमोरी सिम्टम्स हैं, ये नॉन मोटर सिम्टम्स। तो यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पार्किंसंस डिजीज के दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, मोटर सिम्टम्स एंड नॉन मोटर सिम्टम्स, और हम दोनों के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रवीण, क्या ऐसा भी है कि जो इस तरह के सिम्टम्स अगर शुरू होते हैं इस बीमारी के, तो आँख झपकने में परेशानी होती है या खाना खाने में दिक्कत होती है, आप स्वेलो नहीं कर पाते हैं? देखिए मैम, क्या है कि पार्किंसन डिजीज में जनरलाइज स्लोनेस होती है,
उस स्लोनेस या धीरेपन में हमारी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग है उसकी रफ्तार कम हो सकती है। आदमी का चेहरा मास्क की तरह हो जाता है, जैसे वुडन फेस होता है, क्योंकि उसके चेहरे पे आने वाले स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन कम हो जाते हैं। उस पार्किंसन की वैरायटी में मसल्स की इन्वॉल्व होगी तो उसमें खाने में दिक्कत और एबनॉर्मलिटी जल्दी भी हो सकती है। और तो ये बिल्कुल सब सिम्टम जी जी तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज की। तो डॉक्टर प्रवीण, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ब्रेन की केमिस्ट्री पर किस तरह का असर ये डालती है, क्या बदलाव आते हैं कि इतने चेंजेस होने लगते हैं मरीज की बॉडी में? ब्रेन की जो बॉडी का ब्रेन से बॉडी की जो मूवमेंट का कनेक्शन है उसका मेन ट्रांसमीटर है डोपामिन, जो बेजल गैंग्लिया नाम के ग्रंथि से सिक्रीट होता है। और जैसे हमारी बॉडी का ऑयल हो वो डोपामिन है, तो जब डोपामिन बनाने वाले सेल 60 से 70% से कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन की कमी होने लगती है, जिससे हमारा ब्रेन हमारी मूवमेंट्स को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाता। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो कमी और बढ़ती जाती है, इसलिए समय के साथ पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है, इसलिए हम डोपामिन की आपूर्ति करके उसको बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब मेडिकेशन होती है तो डोपामिन की डोजेस दी जाती हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूं। तो जो इसकी कॉमन मेडिसिन्स हैं उसमें या तो हम बाहर से ऐसी दवाइयां देते हैं जो ब्रेन में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, या ऐसी दवाइयां देते हैं जो डोपामीन की ड्यूरेशन के एक्शन की ड्यूरेशन को बढ़ा देती हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कम करके, या डोपामीन की तरह ही काम करती हैं। बिल्कुल। तो मेडिकेशंस पे भी हम विस्तार से कार्यक्रम में आगे बात करेंगे, क्योंकि हम सिम्टम्स की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण। तो हाथ कांपना पार्किंसंस का एक सिम्टम है, जैसे कि आपने बताया सबसे कॉमन सिम्टम है। तो अगर किसी मरीज का या आप घर में किसी का हाथ कांपता हुआ देख रहे हैं, तो सिर्फ वो पार्किंसंस की शुरुआत है या हाथ कांपना किसी और भी वजह से हो सकता है, किसी और दवाई से? ये जो हाथ कांपने का सिम्टम है, हम चाहेंगे इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें। बहुत कॉमन सिम्टम है और एंग्जाइटी से भी होता है। आपने देखा जब हमें घबराहट होती है तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। जो लोग इनहेलर लेते हैं, सांस की दवाइयां लेते हैं, उनके भी हाथ कांपने लगते हैं। अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों के भी आपने देखा है हाथ कांपने लगते हैं। पर हाथ कांपने की जो सबसे कॉमन बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं असेंशियल ट्रेमर। हमारे ब्रेन में जो हमारा पॉस्चर, हाथ का पॉस्चर मेंटेन करने का प्रोग्राम होता है, वो कमजोर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के शादी पार्टी में प्लेट उठाते हुए हाथ कांपने लगते हैं। तो ये असेंशियल ट्रेमर पार्किंसन डिजीज नहीं है, ये बॉडी की दोनों साइड होता है, अगली उम्र में भी चालू हो सकता है, कुछ फैमिलीज में रन करता है। पर इसमें स्लोनेस, स्टिफनेस, झुकना, बाकी मोटर सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए खाली ट्रेमर की बीमारी है। कुछ लोगों को हेड में भी ट्रेमर होता है, हल्का हल्का सर हिलता है, वो भी असेंशियल ट्रेमर का एक पार्ट है। कोई ट्रेमर ब्रेन अगर को के जी डॉक्टर प्रवीण, अगर कोई शॉक से गुजरा होता हो, क्या तब भी ये ट्रेमर्स हो सकते हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स? असेंशियल ट्रेमर नहीं होंगे, उसके ब्रेन शॉक जो होता है उससे ब्रेन के अंदर ट्रांसमीटर इंबैलेंस होता है, तो उसको भी ट्रेमलिंग हो सकती है। तो ट्रेमर के कई सारे कारण हो सकते हैं, कुछ मानसिक कारण हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिसिटी के कारण हो सकते हैं, कुछ अल्कोहल जैसी चीजों के कारण हो सकते हैं, कुछ दवाओं के कारण हो सकते हैं, और कुछ एसेंशियल ट्रेमर जैसी चीजों के कारण हो सकते हैं, या सेरिबेलम के डिसऑर्डर्स जैसे एटैक्सिया के कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं अब आना चाहूँगी स्टेजेस ऑफ पार्किंसंस पे डॉक्टर प्रवीण, किस तरह ये डिजीज आगे बढ़ता है, क्या इसकी स्टेजेस होती हैं? पार्किंसन डिजीज यार स्टेजिंग नाम की स्टेजिंग को यूज करते हैं, जो आम आदमी के समझने के लिए पार्किंसन डिजीज शुरू में बॉडी के एक साइड जनरली हाथ को इन्वॉल्व करता है जिसमें स्लोनेस और ट्रेमर होती है। फिर वो उसी तरफ के पैर को इन्वॉल्व करता है जिससे चाल में स्लोनेस और स्टिफनेस आती है। फिर वो बॉडी की दूसरी साइड पे फैल जाता है और दोनों तरफ को इन्वॉल्व करने लगता है। धीरे धीरे वो बीच की बॉडी को भी
इन्वॉल्व करता है, जिससे गेट इम्बैलेंस, बोलने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत सब होने लगती है। तो इस तरह एक भाग से शुरू होकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पार्किंसन डिजीज पूरे बॉडी को अफेक्ट करने लगता है। जी, आगे अगली स्टेज क्या होती है? देखिए मैडम, जब पार्किंसन डिजीज बहुत बढ़ जाता है तो एक तो वो दवा को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, या बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होने लगती हैं जिसे हम डिस्काइनेसिया बोलते हैं, या आदमी अचानक से फ्रीज होने लग जाता है जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से काम कर देना बंद कर देती है। आगे जाके बोलने में और स्पीच में भी और खाना खाने में भी सिग्निफिकेंट दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि हम यहाँ पर सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, मोटर सिम्टम्स, नॉन मोटर सिम्टम्स, हाथ कांपना, तो अगर किसी मरीज का, मैं क्योंकि आप इस तरह के मरीजों से बात करते हैं, वो आपके पास आते हैं, तो अगर किसी के हाथ कांपते हैं तो जनरली उनका ये हाथ कांपना कितनी देर तक रहता है? क्या दिन में कभी भी ऐसा होता है, एक बार शुरू हो जाए तो काफी देर तक रहता है ये सिम्टम्स? अपना पूरा दिन चल सकता है, और जब स्लीप में आदमी चला जाता है तो वो बंद हो जाता है। तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स का हाथ ऑलमोस्ट पूरे दिन कांपता रहता है, कभी कभी शुरू में इंटरमिटेंट भी हो सकता है, पर आगे जाके ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और दवाइयों से इसमें सुधार हो सकता है। सिम्टम्स हैं जो आप बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण, ये कहीं ना कहीं पूरी जो दिनचर्या है उसको इफेक्ट करते हैं मरीज के, तो क्या एक सिम्टम होता है, मरीज सोचता है और उसके बाद ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं, क्या ऐसा होता है? क्योंकि मरीज सोच रहा है कि मुझे शायद कुछ दिक्कत है जो मेरे हाथ कांप रहे हैं, ऐसा होता है कि एक के बाद एक ये कनेक्शन जुड़ता है और ये सिम्टम्स बढ़ते हैं? बढ़ते हैं क्योंकि ब्रेन के सेल्स की ऑनगोइंग डिजनरेशन के कारण डोपामाइन की कमी होती है, जिस कमी से ये सिम्टम्स बढ़ते हैं। पर कभी भी किसी आदमी को अगर मानसिक अवस्था में बदलाव आएगा, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी या चिंता, तो ऑब्वियसली उसके जो मेन ऑर्गेनिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो भी एग्रवेट हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आगे बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर प्रवीण, ये इडियोपैथिक पार्किंसंस क्या होता है? सर, इडियोपैथिक का मतलब होता है इसका डायरेक्ट कारण हमें नहीं मालूम, उसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक। तो जो यूजुअल पार्किंसन डिजीज होता है उसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। और पार्किंसन डिजीज की कई और वेराइटीज होती हैं, जैसे PSP, प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर पैलसी। पार्किंसन डिजीज की नहीं, पार्किंसोनिज्म की, जो डिजीज पार्किंसन डिजीज से मिलते हैं उनकी कई और वैरायटीज होती हैं, जैसे मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, प्रोग्रेसिव सुप्रानुक्लेअर पैल्सी, CBGD। तो इन सब चीज, वैस्कुलर पार्किंसोनिज्म, इन चीजों में पार्किंसन जैसे सिम्टम्स होते हैं, पर पार्किंसन के अलावा ब्रेन के और भागों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, और ये बीमारियां डोपामीन की दवाइयों को उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती, या इनके लाइफ स्पैन उतना अच्छा नहीं होता जितना इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज का होता है। तो अगर यानी कि आप कह रहे हैं मेडिकेशंस किस पे ज्यादा अच्छी काम करती हैं, किस डिजीज पे? इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या ऐसा है कि अगर आपकी फैमिली में किसी बड़े को हुआ है तो जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता है, क्या इस तरह आप देखते हैं केसेस? केसेस में पार्किंसंस में जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है और जनरेशनल ट्रांसफर भी हो सकता है, पर अधिकतर जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट हैं वो स्पोरैडिक होते हैं और उनमें जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पार्किंसंस में जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है इस डिज़ीज़ में। क्या डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि हम डिमेंशिया को भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी जब एज आगे बढ़ती है तो ये समस्या होती है, तो क्या ऐसा होता है कि कई बार आप देखते हैं कि किसी मरीज में पार्किंसंस के भी सिम्टम्स हैं, आगे डिमेंशिया के, क्या ऐसा होता है कि सिम्टम्स मिल जाएं दोनों के एक जैसे, ऐसा होता है? डिफ्रेंशिएट करना क्या मुश्किल हो जाता है? जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स हैं उनको भी डिमेंशिया हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं पार्किंसन एसोसिएटेड डिमेंशिया। और ये जो दूसरी पार्किंसोनिज्म्स की हमने बात की, जैसे DLBD, PSP, इन लोगों के अंदर डिमेंशिया ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन की डिजनरेशन बेसल गैंग्लिया के बियॉन्ड होती है। तो इसलिए पार्किंसन्स के लोगों को भी डिमेंशिया हो सकता है, और जो दूसरी पार्किंसोनिज्म है उसमें डिमेंशिया काफी कॉमन हो सकता है,
और जिन लोगों को डिमेंशिया है उनको भी एडवांस स्टेजेस में पार्किंसन जैसे साइंस या सिम्टम्स मिल सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण, ये इंड्यूस पार्किंसंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ऐसी दवाएं खाते हैं जो डोपामीन को कम करती हैं, खासकर जिन लोगों को साइकियाट्रिक बीमारियां होती हैं, उन लोग जो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, या जिनको पागल जो दूसरी दूसरी चीजें दिखाई देती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, ऐसे मरीजों को कुछ ऐसी दवाई दी जाती हैं, क्योंकि ये सब चीजें डोपामिन बढ़ने से होती हैं। तो इन दवाओं से ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी हो जाती है, और कुछ दवाओं से भी आगे चलकर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन हो सकता है। इसे बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। तो थोड़ा आप इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे कि किस तरह की दवाइयां हम डॉक्टर्स देते हैं तो ये इंड्यूस पार्किंसंस हो जाता है? कुछ दौरे की दवाई जैसे सोडियम वैलपोएट, या फिर जो सबसे कॉमन हम साइकोसिस करके जो बीमारी होती है उसकी दवाई देते हैं, क्योंकि साइकोसिस डोपामिन की अधिकता से होती है। लंबे समय चलने के बाद उन दवाइयों से पार्किंसोनियम जैसे फीचर आ सकते हैं। आजकल पेट की गैस के लिए दवाई बहुत कॉमन है, इसे हम बोलते हैं लीवोसल्फिराइड। उसको खाने से भी पार्किंसन जैसे सिम्टम हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप तो थोड़ा टेस्ट कर ले, देख ले, तो इन चीजों को रोका जा सकता है, ये आप कह रहे हैं, राइट? हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो समझेगा कि आप पार्किंसोनिज्म डेवलप कर रहे हैं, तो इन दवाओं को बदल के कुछ और दवाओं पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पार्किंसन जैसे सिम्टम्स खत्म हो सकते। यहाँ पे मैं आगे आगे बढ़ते हुए डॉक्टर प्रवीण जानना चाहूंगी कि किस तरह के टेस्ट होते हैं अगर किसी के घर में किसी बड़े बुजुर्ग को इस तरह के सिम्टम्स जैसे जो आपने बताए हैं सारे, अगर उसमें से दो तीन भी हो रहा है तो किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं फिर? क्योंकि जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट जनरली पेशेंट की चाल, उसकी हाव भाव देखकर, उसके हाथ का ट्रेमर देख के, छोटे कदम देख के पार्किंसंस का डायग्नोसिस क्लिनिक में ही बना लेते हैं। पर फिर भी उसे कंफर्म करने के लिए हम कोई और बीमारी नहीं है वो देखने के लिए एमआरआई ब्रेन, और कुछ डोपामिन स्कैन्स होते हैं जैसे डैट स्कैन या टू डैट स्कैन, जो ब्रेन में डोपामिन की कमी को कंफर्म करते हैं, वो कर सकते हैं। और एक रूटीन प्रोफाइल कर सकते हैं कि बॉडी की जो नॉर्मल डेफिशिएंसीज हैं, कुछ ऐसी डिफिशियंसीज तो नहीं है इस मरीज में, या थायराइड बहुत ज्यादा तो नहीं है जो पार्किंसंस के सिम्टम जैसे सिम्टम क्रिएट कर रहा है। तो आफ्टर योर एग्जामिनेशन डॉक्टर लोग कंफर्म कर पाते हैं कि कोई रिवर्सिबल कॉज है पार्किंसंस का, तो उसको ट्रीट कर पाए। कभी कभी ब्रेन में वाटर बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, उसमें भी मेमोरी में कमी, पैरों में चलने में कमी हो सकती है, बहुत छोटे छोटे कदम से चाल होती है, जैसे कि पैर जमीन से चिपके हो, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक गेट। तो अगर ब्रेन में पानी ज्यादा हो गया या एक्स्ट्रा पानी भर गया, तो उसको हम सर्जरी से भी कभी कभी ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस बनाने से पहले पार्किंसन से मिलती जुलती दूसरी चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे हमने बात की ड्रग इंड्यूस पार्किंसन, और फिर पार्किंसन के डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। और जब डोपामिन की दवा से अगर आदमी को फायदा हो जाता है, तो वो भी एक कंफर्मेटरी साइन है कि उसको डोपामिन डेफिशिएंसी स्टेट है। डॉक्टर प्रवीण, क्या कोई ब्लड टेस्ट भी होता है इसके लिए? क्या ब्लड टेस्ट भी होता है इसका कि शुरुआती अंदेशा हो जाएगी कुछ है या नहीं? ब्लड टेस्ट की नॉर्मल पार्किंसन के डायग्नोसिस में वैल्यू नहीं है, पर जिन लोगों के अंदर जेनेटिक हिस्ट्री प्रेजेंट है, वो लोग एक जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं पार्किंसन की इनहेरिटेंस को समझने के लिए। पर आम लोगों में अब पार्किंसन के डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट का प्रयोग नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी मेडिकेशंस दी जाती हैं, और दूसरा ये कि किस तरीके से, क्या कोई और भी तरीके हैं जो लोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसी मेडिटेशन, जिससे इसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके? पार्किंसन डिजीज दवाई को, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज दवाई को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, इसलिए डोपामिन की आपूर्ति करने वाली दवाइयाँ, डोपामिन की मात्रा बढ़ाने वाली दवाइयाँ और डोपामिन की तरह काम करने वाली दवाइयाँ यूज करके, और कभी कभी एंटीकोलिनर्जिक यूज करके, खासकर ट्रेमर में हम पार्किंसन के मरीजों को काफी हद तक मदद पहुंचा सकते हैं।
उसी तरह हमारे पास नॉन मोटर सिम्टम जैसे हेल्यूसिनेशन, स्लीप डिस्टरबेंसेस के लिए भी दवाइयां हैं जो नॉन मोटर बिहेवियर सिम्टम्स को बेटर कर सकती हैं। और अगर आगे चलकर पार्किंसन डिजीज दवा से कंट्रोल ना रहे तो ब्रेन की सर्जरी, जिसमें ब्रेन में एक पेसमेकर डालते हैं जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। साथ में फिजियोथेरेपी, गेट ट्रेनिंग, चलने की ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और मानसिक सपोर्ट का रोल तो बहुत अहम है ही। जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण के मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर ये बीमारी शुरू हो गई है तो क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, और ये भी लोग जानना चाहेंगे कि अगर ये बीमारी हो गई है, कुछ सिम्टम्स हैं, तो एक बार दवाई शुरू हुई तो क्या, क्योंकि ओल्ड एज में हो रहा है, एक बार दवाई शुरू हुई तो क्या इसको फिर लंबे समय तक लेना पड़ता है दवाई को? एडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस बना तो दवाई को उम्र भर लेना पड़ता है, और समय के साथ ये दवाई बढ़ती है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि ब्रेन की डिजनरेशन समय के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज में लाइफ लॉन्ग दवाई लेने की आवश्यकता। और दूसरे पार्किंसन में अलगे मैम, जिनको ड्रग इंड्यूस पार्किंसन है तो ड्रग विड्रॉ करने से बेटर हो सकता है। थायराइड की वजह से पार्किंसन जैसे साइन आ रहे हैं तो थायराइड को ट्रीट करने से बेटर हो सकता है। ब्रेन में वाटर बढ़ गया, उसको एनपीएच है, तो वाटर ड्रेन करने की सर्जरी से बेटर हो सकता है। बट कॉमन फॉर्म ऑफ पार्किंसन में जल्दी लाइफ लॉन्ग दवाई की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी है। तो पार्किंसन डिजीज़ के बारे में हमने आज आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, सारी चीज़ें, सिम्टम्स कैसे शुरू होते हैं, उसके बाद कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और किस तरीके से इसके मरीजों को आप मेंटली भी सपोर्ट कर सकते हैं, और प्लस मेडिकेशंस तो है ही आज के टाइम में। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।